दलितों में भी स्वार्थी की कमी नहीं, मेरे रिश्तेदार भी मतलबी, भीतर घातियों पर फूटा मायावती का गुस्सा। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भीतर घातियों और विरोधियों पर सियासी हमला किया है। मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि जातिवादी ताकतें बसपा को कमजोर करने के लिए पर्दे के पीछे से साजिश कर रही है। मायावती ने लिखा कि बसपा को कमजोर करने के लिए कई संगठन बनाए गए हैं, इनका असली मकसद अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। उन्होंने इस ट्वीट के जरिए अपने भाई आनंद की जमकर तारीफ की। मायावती ने लिखा, दलित व उपेक्षियों में भी स्वार्थी लोगों की कमी नहीं है, जिसमें मेरे कुछ रिश्तेदार भी हैं। वह एक ऐसा है जो मेरी गैर हाजिरी में मेरे दिल्ली निवास पर CBI छापे के बाद परिवार सहित चला गया। तब से ही छोटा भाई आनंद सरकारी नौकरी छोड़कर परिवार के साथ मेरी सेवा और पार्टी कार्य में लगा है। मायावती ने बामसेफ और DS4 को कागजी संगठन बताया। उन्होंने लिखा, इन स्वार्थी किस्म के लोगों ने खासकर बामसेफ व DS4 आदि के नाम पर अनेकों प्रकार के कागजी संगठन बनाए हुए हैं, जो सामाजिक चेतना पैदा करने की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। और अब यही कार्य BSP में कुछ निष्क्रिय हुए लोग भी दूसरे तरीके से कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आप मायावती की इस बात से कितने सहमत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।